जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आइए जानते हैं आज के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों श्रीनगर के अमीरा कदल में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला किया है। ग्रेनेड फटने के कारण पुलिसकर्मी समेत 24 लोग घायल हो गए। इसके अलावा गंभीर रूप से जख्मी एक नागरिक की मौत हो गई और अचानक हुए विस्फोट के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौके पर पहुंचे दूसरे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों की बड़े पैमाने पर तलाश की जा रही है। सभी घायलों को इलाज के लिए लोकल अस्पताल ले जाया गया है। इसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। अमीरा कदल में सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी नाके पर तैनात थी, इसी बीच उन पर ग्रेनेड हमला किया गया। निशाना चौकने के कारण ग्रेनेड दूसरी जगह पर जाकर फट गया और IG विजय कुमार ने बताया कि आतंकियों की तलाश की जा रही है। दोस्तों इस हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और CRPF के ऑफिसर्स व जवान घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके का यातायात रोक दिया। वहीं पंजाब के अमृतसर के खासा गांव में BSF की मेस में गोलियां चलने से BSF के 5 जवानों की जान चली गई, एक जवान घायल है और यह घटना आज यानी रविवार 6 मार्च को हुई है। बताया जा रहा है कि अमृतसर में BSF की एक मेस के अंदर एक BSF कांस्टेबल ने गोलीबारी की है। BSF ने एक बयान जारी कर बताया कि हेडक्वार्टर 144 बटालियन खासा अमृतसर में CT सत्यपा SK द्वारा की गई गोलीबारी के कारण आज 5 सैनिक घायल हो गए। CT सत्यपा SK भी घायल हो गए हैं। 6 घायलों में से CT सत्यपा सहित 5 सैनिकों की जान चली गई है। एक की हालत गंभीर है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऑर्डर दिए गए हैं। ये घटना भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पर अटारी वाघा सीमा क्रॉसिंग से करीब 20 किलोमीटर दूर खासा इलाके में फोर्स मेस में हुई है और गोली चलाने वाला जवान जान गंवाने वाले 5 जवानों में शामिल है। वहीं नेवी ने फरवरी के अंत में अपना सबसे बड़ा मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन आयोजित किया था। एक्सरसाइज मिलन 2022 का समुद्री चरण 4 मार्च को समाप्त हो गया और बंगाल की खाड़ी में आयोजित नेवल एक्सरसाइज में 26 शिप्स, 21 एयरक्राफ्ट और एक सबमरीन ने भाग लिया था और इंडियन नेवी ने इसकी जानकारी दी है। दोस्तों भारत ने 25 फरवरी से विशाखापट्टनम में मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2022 में भाग लेने के लिए कुल 46 मित्र देशों को इनवाइट किया था। जिन देशों को प्रैक्टिस के लिए इन्विटेशन दिया गया उनमें रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ईरान, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, बांग्लादेश, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात व ऐसे दूसरे देश शामिल थे। दोस्तों 2020 में ये एक्सरसाइज होना था और इसके लिए 41 देशों को इन्वाइट किया गया था, उनमें से 30 ने कन्फर्मेशन की थी, लेकिन दुनिया भर में महामारी के कारण एक्सरसाइज को रद्द कर दिया गया था। 2018 में इस एक्सरसाइज में 17 देशों की नेवीस ने हिस्सा लिया था। मिलन 2022 इस आयोजन का 11वां एडिशन है और ये सबसे जटिल नेवल एक्सरसाइज है जो भारत किसी भी दूसरे देश के साथ करता है। दोस्तों मिलन एक मल्टीलेटरल वॉरफेयर नेवल एक्सरसाइज है जिसे 1995 में शुरू किया गया था और इसमें इंडियन नेवी के अलावा इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की नेवीस ने भाग लिया था और मिलन का मतलब है मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज। वहीं CSIR नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL द्वारा डिजाइन और विकसित पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा NG समुद्र टेस्ट में भी खरा उतरा है। पुडुचेरी में 19 फरवरी से 5 मार्च तक चले टेस्ट में पता चला कि यह इंडियन फ्लाइंग क्लब के लिए काफी अच्छा है। अब इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस जल्दी शुरू किया जाएगा। NAL ने बताया कि 19 फरवरी को सिप को 140 नॉटिकल माइल दूर स्थित पुडुचेरी ले जाया गया। इसने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1.5 घंटे में यह दूरी तय की। इसके अलावा इसके सभी सिस्टम का भी टेस्ट किया गया। इसने सभी टेस्ट में कामयाबी पाई और पुडुचेरी में 18 घंटे की उड़ान पूरी करने के बाद 5 मार्च को बेंगलुरु पहुंच गया। एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट के विंग कमांडर KV प्रकाश और विंग कमांडर दिलीप रेड्डी इसके पायलट थे। NLA ने इस पर नजर रखी और टेलीमेट्री के विंग कमांडर रिजु चक्रवर्ती फ्लाइट टेस्ट डायरेक्टर थे और अप्रैल तक इसके सर्टिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होने की संभावना है। इसके बाद सरकारी और निजी उद्योगों में इसका निर्माण शुरू किया जाएगा और इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान आगे बढ़ेगा और इसमें कई एडवांस सिस्टम मौजूद हैं जो इसे एक बेस्ट प्लेन बनाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।
और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।